जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स। तो गाइज आप भी अगर जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स परचेज करने का सोच रहे हो या फिर एक जियो फाइबर कनेक्शन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स आपको लेना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे आपको कौन कौन सी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है और कौन कौन सी बुरी चीज़ें देखने को मिल जाती है, सब कुछ आपको बताऊंगा, फुल रिव्यू इसका दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये जो सेट टॉप बॉक्स है सिर्फ सेट टॉप बॉक्स नहीं है, प्लस ये एक एंड्रॉयड बॉक्स भी है। तो मार्केट में आपको इससे सस्ता कोई भी एंड्रॉयड बॉक्स या सेट टॉप बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। इसका प्राइस जो है सिर्फ 999 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपीज़ है, जो कि जियो फाइबर कनेक्शन के साथ लोगे तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ ही पड़ेगा, वरना एक्स्ट्रा यहाँ पे लोगे तो आपको इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये जो सेट टॉप बॉक्स है इसमें आपको 500 से भी ज़्यादा लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, और ये सभी चैनल जो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, वाईफाई के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप लोगों को डिश एंटीना, डिश छतरी, ये सब आपको लगाने का जरूरत नहीं है, कोई भी केबल वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू आपके जो चैनल्स हैं वो चलेंगे और कोई भी चैनल आप देख सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जितने भी सारे चैनल्स आप देख रहे हो इनको देखने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 200 रुपीज़ पर मंथ आपको देना है, और सिर्फ 200 रुपीज़ देकर ही आप जो है 550 चैनल्स देख सकते हो, प्लस यहाँ पे 14 OTT एप्स का आप लोग को सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आप जो नॉर्मल जियो फाइबर में रिचार्ज कराते हो 399 का, उसमें आप बस 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दो और आपको जो है यहाँ पे जितने भी सारे चैनल्स हैं वो देख सकते हो, 500+ चैनल्स। इस सेट टॉप बॉक्स को चलाने के लिए आपके पास अगर कोई वाईफाई नहीं है, आपका नेट अगर ख़त्म हो गया है, तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का भी यूज़ कर सकते हो और उसको भी कनेक्ट करके आप जो है अपने सेट टॉप बॉक्स को चला सकते हो। तो मैं यहाँ आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो कि मेरे मोबाइल का ये जो हॉटस्पॉट है मैंने ऑन कर लिया है, और ये जो है मेरा पासवर्ड है। अभी क्या करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ अपने सेट टॉप बॉक्स में, और सेट टॉप बॉक्स में यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटिंग्स के बगल में आपको ऑप्शन मिलता है वाईफाई का, तो वाईफाई भी आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे फोन का जो हॉटस्पॉट है उसका नाम यहाँ पे आ गया है। अभी क्या करता हूँ कि मैं जो है अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे कनेक्ट करना है, और जैसे यहाँ पे कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करने के बाद आपको जो है बस सिंपल सा यूज़ करना है अपने सेट टॉप बॉक्स को। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे स्मार्टफोन का हॉटस्पॉट है वो सेट टॉप बॉक्स से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे YouTube ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो YouTube जो है वो ओपन हो चुका है। अभी कोई वीडियो प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये जो वीडियो मैंने प्ले कर दिया है, अभी देख सकते हो इसमें ऐड चल रहा है, तो वीडियो यहाँ पे आराम से प्ले हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी आप चला सकते हो कभी कभार, अगर आपके पास डेटा वगैरह बचा है तो। चाहे यहाँ पे कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक चीज़ आप लोग को 100% मिलेगा, वो है कि इसमें लाइफ टाइम गारंटी आप लोग को मिलता है। यानी कि अगर आपका सेट टॉप बॉक्स कभी भी लाइफ में ख़राब हो जाए तो यहाँ पे आपको इसको बनवाने के लिए कोई भी पैसा वगैरह नहीं देना है। सिंपल सा जियो वालों को कॉल करना है कि मेरा सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो गया है, वो लोग आपका सेट टॉप बॉक्स लेके जाएंगे और दूसरा सेट टॉप बॉक्स आपको इंस्टॉल करके जाएंगे। यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा इसको बनाने में। इस सेट टॉप बॉक्स का यूज़ करके आप अपने किसी भी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब वगैरह चला सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे जो है मूवीज वेब सीरीज देख सकते हो आराम से। वाईफाई का अगर रिचार्ज खत्म हो गया है तो इसके पीछे आपको USB पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसमें पेन ड्राइव लगा के भी आप मूवीज वगैरह देख सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा इस सेट टॉप बॉक्स के बारे में जो अच्छी नहीं है, जो बुरी चीज़ें हैं, जो डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स या फिर कॉन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कॉन है कि इसका नाम तो यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स है, बट इसमें सेट टॉप बॉक्स वाला जो फैसिलिटी है अभी तक चालू नहीं हुआ है। यानी कि इसमें आप जो है केबल लगा के, डिश केबल लगा के चैनल्स वगैरह नहीं देख सकते, आपको इंटरनेट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू ही आपको चैनल्स वगैरह देखना होगा। बट उसके लिए आपके पास अगर वाईफाई नहीं है तो ये सेट टॉप बॉक्स बेकार है, आप बिना इंटरनेट के इसके ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो दूसरी जो चीज़ इसमें ख़राब है वो है इसका यूजर इंटरफेस। ऐसे अगर आप कोई टीनेजर हो या फिर टेक का आपको नॉलेज है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बट अगर आपके घर में कोई मतलब ओल्ड एज के हैं, थोड़े से ज़्यादा उम्रदार लोग हैं, तो वो अगर इसको यूज़ करना चाहेंगे तो कभी कभार प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ये नॉर्मली आसानी से चलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स के अंदर जाना होगा, उसके बाद आप जो है चैनल्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो, और नॉर्मली चैनल्स जो बटन होता है रिमोट में उससे आप जो है चैनल्स को आगे पीछे भी नहीं कर सकते हो। आपको इसका नंबर याद रखना पड़ेगा या फिर आपको जाके ऐप्स के थ्रू ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आप लाइव टीवी चैनल्स वगैरह देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा दिक्कत का बात मुझे लगा। अगर आपके लिए नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ले सकते हो, ऐसे यहाँ पे और भी कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो बात करें यहाँ पे नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो बिना किसी जियो फाइबर कनेक्शन के आपको जियो का सेट टॉप बॉक्स नहीं मिल सकता है। यहाँ पे अगर आपको सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो कनेक्शन भी आपको पहले लेना पड़ेगा, तभी मिलेगा।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।